नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। भारत और हांगकांग के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 40 रन से जीत के साथ सुपर फोर में अपनी जगह बना ली है। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसके अलावा विराट कोहली ने भी अर्धशतक लगाया और 6 महीने के बाद उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी आई। बहरहाल, अब बात करते हैं इस मुकाबले की और इसको लेकर जो दिग्गज खिलाड़ी वगैरह हैं उसके बारे में आपको जानकारी दें तो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। शाहिद अफरीदी से इस दौरान भारत हांगकांग के मुकाबले को लेकर सवाल किया गया। तब शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैंने कुछ मैच देखा था और जितना मुझे समय मिल पाया मैंने उतना मैच देखा और मैंने खासकर विराट कोहली की बल्लेबाजी के लिए मुकाबला देखा था, लेकिन विराट कोहली काफ़ी धीरे खेल रहे थे और जब सूर्य कुमार यादव पिच पर आए, जब उनकी मैदान पर एंट्री हुई, तब उन्होंने आते ही ये बता दिया कि उनकी क्या बल्लेबाजी होने वाली है, किस माइंडसेट के साथ वो उतर रहे हैं। उन्होंने पहली गेंद पर आकर के चौका लगाया, दूसरी गेंद पर चौका लगाया, इससे ये साफ झलक रहा था कि सूर्य कुमार यादव कैसी बल्लेबाजी करने वाले हैं। विराट धीमा खेल रहे थे, हालांकि उस मैच में विराट कोहली का धीमा खेलना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने काफ़ी कुछ रंग जमा दिया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली धीमा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे और विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक आया, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन सूर्य को मैं काफ़ी कुछ ज़्यादा नंबर विराट कोहली से दूंगा। बहरहाल, बात करें अगर शाहिद अफरीदी की तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत ने जीत हासिल कर ली है, अच्छी बात है, भारत सुपर फोर में अपनी जगह बना चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सूर्य कुमार यादव जिस माइंडसेट से बल्लेबाजी कर रहे थे वो ड्रेसिंग रूम से सेट हो चुका था और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया और पहली गेंद से धावा बोलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि भारत ने हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में 40 रन से जीत हासिल की और इसके बाद टीम अब सुपर फोर में अपनी जगह बना चुकी है और अब शाहिद अफरीदी का सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ आपकी राय है, आप कितना सहमत हैं इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया। नमस्कार।